राज्य में अब विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कम वक्त बच गया है। चुनाव आयोग की टीम भी लगातार दौरे पर है और आज दूसरे दिन भी बैठकें होनी हैं तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ, और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो जाए। इन सब के बीच में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस यात्रा के जरिए राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को झारखंड की धरती पर उतार दिया है और हर जगह अलग अलग तरीके से जहां पर जातिगत समीकरण जिस तरह है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। हजारीबाग के बरही में भी सभा है, आज परिवर्तन यात्रा है और खबर है कि इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, यहां लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के भी आने की सूचना थी, यूपी के मुख्यमंत्री के आने की सूचना थी, लेकिन शायद कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं, चंदन का रुख करते हैं। चंदन, आज बीजेपी यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं? जी देखिए, आज भाजपा प्रदेश द्वारा परिवर्तन रैली महारैली का आयोजन बरही ब्लॉक मैदान परिसर में होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे से किया जाएगा। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में झारखंड चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, उनके साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, साथ ही स्थानीय सांसद हजारीबाग लोकसभा से सांसद जो है मनीष जसवाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, सीएम आदित्य योगी नाथ जी का भी यहाँ आगमन होना था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री विष्णु शर्मा जी का भी यहाँ आगमन होना था, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चंदन, बरही सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाए, इसे लेकर किस तरह की तैयारियां वहां बीजेपी की तरफ से नजर आ रही हैं? क्या इसलिए बरही को चुना गया है ताकि वो सीट भी अब बीजेपी की झोली में इस बार के विधानसभा चुनाव में जाए? जी, आपको बता दूं कि बरही विधानसभा में पिछले 5 सालों में भाजपा अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और यहाँ के जो विपक्ष की भूमिका निभाने में माननीय पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी का अहम रोल रहा है। वो लगातार 5 सालों तक विपक्ष की भूमिका में रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, साथ ही सभी पंचायत और प्रखंड में अपना कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं ताकि भाजपा यहां से मजबूत हो सके। आपको बता दूं, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी वो भाजपा बुरी तरीके से हारी थी, और आपको बता दूं कि उस विधानसभा के चुनाव में जब 2019 की विधानसभा चुनाव हो रही थी तब इस विधानसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, कार्यक्रम को संबोधित किए थे, उसके बावजूद भी भाजपा चुनाव हार जाती है। इसकी खामियाजा ना भुगतना पड़े इस बार, इसीलिए भाजपा लगातार मेहनत कर रही है। बरही विधानसभा में आप देख रहे हैं, देखते होंगे कि कार्यक्रम लगातार भाजपा का होते आ रहा है। चलिए, शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बरही में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है और इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश शामिल होंगे। खबरें आ रही थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे इस परिवर्तन यात्रा में, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों को ये जागरूक भी किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस परिवर्तन यात्रा में जुटेंगे जो जनसभा में तब्दील होगी और यहां हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के लोगों से आह्वान करेंगे। लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं को में जोश भरने की कवायद के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हेमंत सरकार की जितनी भी खामियां रही हैं, जो नाकामियां रही हैं, उसे इस परिवर्तन यात्रा के जरिए उठाने की कोशिश हो रही है। कई मुद्दों के साथ बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर निकली है और लोगों के बीच संदेश देने का काम कर रही है कि अगली बार बीजेपी को चुनिए, हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।